नकली धर्म गुरुओं की वजह से हमारे समाज का हो रहा है पतन। अज्ञानी धर्म गुरु हमें हजारों सालों से बना रहे हैं मूर्ख। देखिए ज्ञान का आक्रमण अज्ञान पर। ये हैं देवकी नंदन ठाकुर जी, अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय संत कहते हैं और आजकल ये अमेरिका की जनता को बेवकूफ बनाने गए हैं। अब सबसे पहले हम आपको इनका ही अज्ञान सुनाते हैं कि श्राद्ध के बारे में क्या कहते हैं। इनका ज्ञान सुनकर आप हंस हंस कर लोटपोट हो जाओगे। जब आप इस कौवे को कुछ भोजन कराते हो तो ये सीधा भोजन आपके पितरों को लगता है, ये सारा भोजन आपके पितरों को लगता है। अधिकांश आपने सुना होगा कि हमारे पितर हमसे रूठ गए, हमारे पितरों की वजह से हमारा काम नहीं चल रहा है। ये जो पितृ दोष है हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। आप एक पक्षी को जानते होंगे जिस पक्षी का नाम है कौआ। कहते हैं कोयल बोलती है तो मीठी लगती है और कौआ बोलता है तो अजीब लगता है, पर इस कौए को आप सारा मत समझिए। ये जो कौआ है ये बड़ा विचित्र है। कोई भी क्षमतावान आत्मा जिनको हम लोग पितर कहते हैं या कुछ भी कहते हैं, वो भी कौए के रूप में हमारे घरों में यात्रा कर सकता है। कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है। तो इस कौए को हमें कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपने देखा होगा भादों के जो 15-16 दिन आते हैं जिनको हम लोग पितृपक्ष के दिन कहते हैं कि अब पितृपक्ष चल रहा है। उस समय जब आप इस कौए को कुछ भोजन कराते हो तो ये सीधा भोजन आपके पितरों को लगता है। ये सारा भोजन आपके पितरों को लगता है, अभी तुम नहीं समझना चाहिए। काल को भोजन कराने पर काल सर्प रोग जो दोष है वो भी समाप्त हो जाता है। और ये काग भगवान का दूत ही समझ लीजिए, हमारे पितरों के लिए एक बहुत बड़ी पहचान समझ लीजिए। इसलिए इस काग से डरने की बात नहीं है। इस काग को आप भोजन कराइए, इस काग का जितना भी हो सके ध्यान रखिए। पितृपक्ष जो दोष है, जो पितृ दोष है वो भी समाप्त होगा। तो आपने देखा किस तरह से ये हमारी भोली जनता को बेवकूफ बनाते आ रहे हैं। अब जानिए श्राद्ध की क्या है वास्तविक सच्चाई संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। आज आपको थोड़ा सा विवरण देंगे कि ये श्राद्ध क्यों निकाले जा रहे हैं। हमारे जो धर्म गुरु थे ये अज्ञानी थे एक नंबर के। इनको ना अपने सिलेबस का पता था, अपने टेक्स्ट की बुक्स का पता नहीं। पुराण श्रीमद् भगवद गीता और वेद ये हमारे आध्यात्मिक सिलेबस है, और हमारे धर्मगुरु संस्कृत जानते थे हम, और ये संस्कृत बोला करते थे। गीता का और वेदों का मंत्र तो वही बोल देते थे, अनुवाद अपने हिसाब से गलत करते थे, जिस कारण से हमारे अंदर भ्रम बना रहा कि ये बड़े विद्वान हैं, संस्कृत भाषा जानते हैं, इन्होंने सदग्रंथों को ठीक ठीक जाना होगा। इन्होंने अपना भट्ठा बैठाया और साथ में हमारे पूर्वज भूत बनवा के छोड़ दिए। एक मोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। एक समय एक रुचि ऋषि थी, उस ब्राह्मण ने वेदों को समझा और उसके आधार से अपना जीवन प्रारंभ किया भक्ति मार्ग का। उसकी उम्र 40 वर्ष की होगी थी, उसने विवाह नहीं किया, ब्रह्मचारी पद में रहता हुआ वेदों अनुसार अपनी साधना कर रहा था जैसा उसको ज्ञान था। 40 वर्ष की आयु जब हुई उसके पूर्वज 4 ब्राह्मण और दिखाई दे जो मर चुके थे, मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, पिताजी, दादाजी और परदादाजी और फिर चौथा दादाजी। वो चारों उसको आकाश में दिखाई दी, आवाज लगाई कि बेटा रुचि आपने विवाह क्यों नहीं किया और विवाह करके हमारे श्राद्ध निकालता, हम बहुत दुखी हो रहे हैं, आपने यू कार्य क्यों नहीं किया। तो रुचि ऋषि कहने लगा कि हे पितृमहो, वेद के अंदर इस श्राद्ध कर्म को, इस कर्म कांड को मूर्खों की साधना बताया है, फिर आप मुझे क्यों इस कर्म में लगा रहे हो। इस बात को उसके पूर्वज ऋषि, उसके पिता
दादा परदादा चौथा दादा, वो भी मान रहे हैं कि हाँ बेटा वेदों में ऐसा ही है जैसा आप बोल रहे हो। और ये जो उन ऋषि महर्षियों ने कहाँ से ग्रहण किया वो कि श्राद्ध निकालो, ये किसी पुराण से ग्रहण किया, और पुराण ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है जैसा कि आपको पहले भी सत्संग में बताया। वेद और श्रीमद् भगवत गीता, वेद वाला ज्ञान ही श्रीमद् भगवत गीता के अंदर है और सूक्ष्म वेद में भी ऐसा ही है। तो अब आपको थोड़ा सा मार्कंडेय पुराण से ये प्रकरण रूबरू करते हैं जिसमें रुचि ऋषि और उसके पूर्वजों का जो भूत बनकर धक्के खा रहे हैं और अपने पुत्र को भी उसी विवश कर रहे हैं कि तू भी बनभूत गलत साधना करके। ये देखिएगा मार्कंडेय पुराण 242 पृष्ठ पे, मार्कंडेय पुराण रोच्य मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं ब्रह्मन पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी और न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती में रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले बेटा ये देखो ये भूत दिख गया इसने, ये देखो ये भूत दिखाई दे गए चारों, ये पिताजी दादाजी और फिर दादा का पिताजी दादा का परदादा जी, ये चारों भूत बन रहे ऋषि जी। अब ये क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं देखिएगा। पितर बोले बेटा विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया। गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं पितरों ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। वह स्वाहा के उच्चारण से देवताओं को, श्रद्धा के शब्द से पितरों को तथा अन्नदान बलि वैष्णदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। बेटा हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार ना करने पर तुम्हें इस जीवन में क्लेश पर क्लेश उठाना पड़ेगा और मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी क्लेश ही भोगने पड़ेंगे। अब रुचि ऋषि कहता पितृगण परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है। अब हम ज्यादा ना पढ़ के आपको अपने काम की बात पढ़ावेंगे। पितर बोले बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित ही है। तुम जिस पर चल रहे हो वह मोक्ष मार्ग है। रुचि ने पूछा पितामहो वेद में कर्म मार्ग को ये कह रहे हैं कि जो तू लग रहा है ना यू तो है मोक्ष मार्ग। अब इसके पूर्वज कह रहे हैं कि जो तू लग रहा है वो मोक्ष मार्ग है और हम बताओ वो नरक मार्ग में आ जा, तू मोक्ष मार्ग न छोड़ दे। ये देवता कह रहे पितर, देखो पितर बोले बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो तो मोक्ष मार्ग है। अवरुचि ने पूछा पितामहो वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है। ये श्राद्ध श्रुद निकालना, भूतों की पूजा करना, तेरहवीं करना, ये सारा कर्म मार्ग है, कर्म कांड है। वेद में कर्म मार्ग को अविद्या मूर्खों का मार्ग कहा गया है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग पर लगाते हैं। पितृ बोले ये सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनक भी मिथ्या नहीं है। फिर क्या रह गया, अब इनकी अकल देखो, इनकी चोर ले गए इनकी अकल को, इन पितरों की, श्राद्ध निकलवाने वालों की। अब वो लड़का ठीक साधना कर रहा था अपनी वेदों के आधार से, और ये भी मानते हैं कि तू आप जो साधना करे तो मोक्ष मार्ग है, और नो क्या हमारे वाले माजा तू कुएं में गिर पितर बने। और ये कह रहा है कि रुचि कह रहा है कि ये तो दो वेद में इसको मूर्खों की पूजा बताया है, अविद्या क्या है, और खुद भी मानते हैं कहा ये बात तो सही है, इसमें कोई मिथ्या नहीं। फिर टट्टू रह गया, थोड़ा शर रह गया।
कह रहे हैं जो वेद में रिजेक्ट कर दिया कि साधना नहीं करनी चाहिए, पितृ पूजा भूत पूजा। अब कहने का भाव यह है कि इन्होंने इस रुचि को डरा दमका के अटबट सुना के, अब जिसके पहले वाले चार दादे पड़दादे पिताजी दिखाई दे जा, ये तो खरबुद्धिमान व्यक्ति था, थोड़ा बहुत इसने तो अपना तर्क दे भी दिया, और आपको कोई चार दादे दिख जाए तो जब समर्पण कर दो, बोलो जी के को हो गई कर दूंगा। तो हमने इन दादों के चक्कर में ही पाना नहीं। कई भक्त कहते हैं कि भाई जैसे अपने पूर्वज दिखाई दे जा, पिताजी दिखाई दे जा, और वो कहे कि मेरे श्राद्ध निकलवा दो, तो कैसे मना किया जा सकता है? पुण्यात्माओं, तर्क के साथ विवेक से चलना पड़ेगा हमने। वो तो कुएं में गिर गए, अरे वो कह काजा बेटा तू भी गिर जा कुएं में, बुद्धिमान तो पड़े नहीं। बुद्धिमान का कर्तव्य बनता है कुएं में गिरे हुए व्यक्ति को भी निकालने की चेष्टा करे, कोई ऐसा साधन खोजे, उसमें रस्सा फांस दे, तब उसने कहा आप भी पकड़ दो और बाहर आ जाओ, आपकी भी जान बचाए, मुझे क्यों मरवा रहे हो पिताजी। तो बुद्धिमता इसमें होती है। अब कुएं में गिरे हुए व्यक्ति को निकालना चाहिए, ना कि भावुकता में छलांग लगा दे दोनों मर गए फिरता है। तो इन गलत साधना करके जो भूत योनि पितृ योनि प्राप्त कर चुके हैं, उस साधना को हम नहीं करेंगे नहीं तो हम भी उस कुएं में गिर जाएंगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं को प्राप्त होते हैं, और जो पितरों की पूजा करते पितरों को प्राप्त होंगे, पितर बन जाएंगे, और भूतों की पूजा करने वाले भूतों को प्राप्त होंगे, वह भूतों वाले ग्रुप में चले जाएंगे भूत बनकर। और गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति करोगे मुझे प्राप्त होगे। देखिएगा ये श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 को आपके रूबरू करते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों के पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, पितरों को प्राप्त होंगे पितर बन के जाएंगे वे, और भूतों को प्राप्त होने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, मेरा पूजने वाले मुझको प्राप्त होता है। अब वो इस पवित्र श्रीमद् भगवद गीता ने भी स्पष्ट कर दिया, भूत पूजोगे तो भूत बनोगे, पितर पूजोगे पितर बन जाओगे, और देवताओं की पूजा करोगे देवताओं के लोक में जाकर उनके अनुचर बनोगे। और गीता ज्ञानदाता कहता मेरी पूजा करोगे मुझे प्राप्त होगे, अंडरस्टूड है। अब सूक्ष्म वेद में कहा है कि राम रमय सो राम है, देव रमय सो देव, और भूत रमय सो भूत बने, समझ देख सुर भेव। जो हमारे सदग्रंथ हैं उनके अनुसार हम साधना करेंगे तो हम सफल होंगे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में कहा कि अर्जुन शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी गति होती है, अर्थात यूजलेस। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए कौन सी ना करनी चाहिए उसके लिए सदग्रंथ यानी शास्त्र ही प्रमाण है। किसी अन्य व्यक्ति की लोक वेद पर विश्वास ना करना। अरे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, अरे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, अपने लला के बाल उतरुआवे देके चीना लग जइया, अरे एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, अरे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। फिर काचा पाका भोजन बना के और माता दोकने गईया, और उस माता ऊपर कुत्ता मुत्ता ओ क्यों ना मर गईया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। जीवित बाप गे लठम लठा, जीवित बाप गे लठम लठा, और मूरे मुए गंग पुचैया, जब आवे आसुज का महीना फिर कौआ बाप बनैया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। और उन्हीं से प्राप्त ज्ञान को गरीबदास साहब जी कहते हैं कि प्रेत छला पर जा बिराजे पितरों पिंड भराई, और बहुर श्राद्ध खान को आए फिर काग भये कलमाई, नरसे तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे कि तो कुर्डी चरडे जाई। फिर क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते ये सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। यदि तुम सतगुरु की शरण में आ जाते ये सारे फंड छूट जाते, ना श्राद्ध निकालने ना पितर बनना ना भूत बनना, और सतलोक चले जाते।